टीवी और फिल्मों में इस एक्टर ने किया है जबरदस्त काम, लेकिन पर्सनल लाइफ को लेकर बटोरी है ज्यादा सुर्खियां। किसी गर्लफ्रेंड से टूटा सालों का रिश्ता, तो किसी ने एक्टर पर लगाया जबरदस्ती करने का आरोप। यहाँ हम बात कर रहे हैं टीवी के फेमस एक्टर एजाज खान, जो कि बिग बॉस 14 में शिरकत करने वाले हैं। वो कई हिट शोज में काम कर चुके हैं, इनमें काव्यांजलि, क्या होगा निम्मो का, कहीं तो होगा कयामत, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कुसुम, कसौटी, नागिन जैसे शोज शामिल हैं। वेल सीरियल्स के साथ साथ इन्होंने फिल्मों में भी काम किया है। प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा एजाज की पर्सनल लाइफ काफी सुर्खियों में रही। वो नागिन फेम एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी को डेट कर चुके हैं। दोनों की जोड़ी फैंस को काफी पसंद आती थी। एजाज और अनीता ने कई शोज में स्क्रीन शेयर किया है। डेटिंग के कुछ सालों बाद अनीता और एजाज का ब्रेकअप हो गया था। एजाज ने नेशनल टेलीविजन पर अपनी एक गर्लफ्रेंड को धोखा देने की बात कबूली थी। एजाज ने कहा कि वो अपनी एक गर्लफ्रेंड को चीट कर चुके हैं। ये सब बताते हुए एजाज काफी इमोशनल भी दिखे थे। एजाज ने बताया था, एक ही बार था जब मैंने किसी पर चीट किया था, गलती हुई जो मेरी पूरी जिंदगी का निचोड़ निकल गया। हालांकि एजाज ने अपनी किस एक्स गर्लफ्रेंड के लिए ये बात कही ये उन्होंने साफ नहीं किया, लेकिन लोगों ने अनीता के नाम पर कयास लगाए। एजाज खान अनीता के अलावा नताली डी लूसियो और निधि कश्यप को डेट कर चुके हैं। जहां अनीता की अब रोहित रेड्डी संग शादी हो चुकी है, वहीं नताली भी रोडीज फेम रघुराम की पत्नी बन चुकी है। एक इंटरव्यू में एजाज ने बताया था वो नताली संग ब्रेकअप के बाद टूट चुके थे। उन्होंने कहा था कि वो काफी परेशान हो गए थे, कि वो जीना तक नहीं चाहते थे। वो कई दिनों तक अपने कमरे में बंद रहते थे। एजाज पर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड निधि ने जबरदस्ती करने का आरोप भी लगाया था। निधि ने एजाज के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। निधि ने एजाज पर मारपीट का भी आरोप लगाया था। हालांकि बाद में निधि ने एजाज से पैचअप कर लिया था। वेल, तो देखा आपने कितनी कॉन्ट्रोवर्सी से भरी है एजाज की जिंदगी, लेकिन क्या वो देश के कॉन्ट्रोवर्शियल शो में अपना बेस्ट दे पाएंगे, ये तो हमें कुछ दिनों में पता लग ही जाएगा। टेलीविजन की लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप के लिए हमारे चैनल टेली मसाला को सब्सक्राइब जरूर करें।